हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। होप सो बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू सीको सी एस स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लाइफ एज वेल एज फॉर द एग्जाम। SWOT एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। SWOT क्या होता है? SWOT SWOT एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O stands for opportunities and P stands for threat. And हमारे internal factors होते हैं strength and weakness, and external factors जो कि environmental factors होते हैं opportunities and threat. Environment से हमें opportunities मिलती हैं और threats मिलते हैं। मैं आपके साथ discuss करता हूँ अपने notes में। SWOT analysis, the comparison of strength, weakness, opportunity, threat is normally refers to as SWOT analysis. In other way, we can say comparison of strength, weakness, opportunity, threat in a systematic manner. अगर हम systematic manner में अगर अपनी strength, weakness, opportunity, threat का comparison कर दें systematic manner में, एक ढंग के manner में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? SWOT analysis. क्या बोल सकते हैं? SWOT analysis. In this analysis, we first look at internal factors like strength and weakness, and then external factors like environmental opportunities and threat. The four components of SWOT analysis are strength. First, it is the inherent capability of the organization which can be used to gain strategic advantage over competitors. तो strength क्या होती है? आपकी inherent capability of the organization. Strength क्या आपकी inherent capability है? किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। तक वो कैपेबिलिटीज जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। किसके ऊपर? कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, हमारे जो राइवल्स फर्म्स हैं, हम उसके ऊपर एक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज हमें मिल जाए तो हम अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हैं, ताकि हम अपनी मतलब कि एक एडवांटेज पा सके अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। लाइक कन्वेंट एजुकेशन, इंडियन यूथ कैन बी स्ट्रेंथ in IT sector for India in software market. Weakness क्या होती है? It is an inherent limitation or constraint of the organization. तो ये क्या होती है? Weakness, inherent limitation or constraint of the organization which create strategic disadvantage for the organization, जो कि strategic disadvantage create करती है। जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे लिए क्या क्रिएट करती है? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज क्रिएट होती है। लाइक ओवर डिपेंडेंसी ऑन सिंगल कस्टमर, मतलब कभी कभार मैं किसी सिंगल पर्टिकुलर कस्टमर, पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर मैं ओवर डिपेंडेंट हो जाऊँ तो ये मेरे लिए वीकनेस है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ओवर डिपेंडेंसी ऑन सिंगल कस्टमर। फिर एग्जाम्पल दे रखा है, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ IT एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ओनली US मार्केट, क्योंकि हम IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, ओनली इन US मार्केट इज द वीकनेस इन दिस इकोनॉमिक सिनेरियो में ये क्या बन जाएगी? हमारे लिए बहुत बड़ी वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज होती है मौका। क्या होती है अपॉर्चुनिटीज? मौका। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? मौका। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? मौका। होप सो आपको समझ आया। अपॉर्चुनिटी क्या है? मौका। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए? मौका। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे लिए? मौका। इट इज अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन है इन्वायरमेंट में विच इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। अगर हमें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करनी है, स्ट्रांग करना है अगर हमने पोजीशन को, तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में हमें उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। मैं आपको एक केस स्टडी के साथ ये समझाता हूँ। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए केस स्टडी में क्या आने वाला है। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. अब ना थी डीमोनिटाइजेशन के दौरान ये बहुत तेज एक्सपांड कर गए।
100-200-300% ग्रोथ तो ये हजम कर जाते, लेकिन 1000% की ग्रोथ हुई। प्रधानमंत्री वजीर आजम भी इनकी तारीफ कर गए। कस्टमर बहुत आ गया, इतना कस्टमर आ गया कि इनका कस्टमर केयर का कॉल सेंटर चलना बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। कॉल सेंटर फोन करें बात ना हो पाए, फोन करें घंटी बजे जाए बात ना हो पाए। लोगों ने ट्विटर पर इनकी भयंकर बुराइयां कर डाली, इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में कि भाई चलेगा नहीं पेटीएम। लेकिन पेटीएम की अच्छी बात क्या थी? इंप्रूवमेंट साइकिल। कम ऑन, क्या थी इंप्रूवमेंट? कई लोग बोलते हैं विजय शेखर शर्मा लकी थे इसलिए डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में चल गए। ऐसा नहीं है सर, वो लकी नहीं थे, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखते। अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी ना, लकी मैं और आप क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात है, वो हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखते थे और वही डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने कई जंप ली। आप समझ गए होंगे कि स्थिति देखिए पेटीएम की, पेटीएम ने कैसे ग्रैब करा और मार्केट में अपॉर्चुनिटी को एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। पेटीएम ग्रैब द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो पेटीएम ने मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब करा एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एमएनसीज। एमएनसीज के लिए अगर नई अपॉर्चुनिटीज देखी जाए तो वो लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना की। इंडिया और चाइना सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री है, तो वहाँ पे एमएनसीज को एक अपॉर्चुनिटीज दिखती है, तो वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकती है, एमएनसीज ओपन कर सकती है वहाँ पे अपनी कंपनी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ थ्रेट। थ्रेट इट इज अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट which create risk and damage, which create risk and damage organizational position in the market, मतलब कि organizational position को damage कर सकता है market में, like slowdown in the world economy and competition from China can threat the Indian economy and businessman. तो Indian businessman को threat हो सकता है China के द्वारा, तो ये भी एक threat है मान लीजिए। अब मैं आपके साथ example discuss कर रहा हूँ Jio का। Jio entered in Indian economy, damaged the market position of the existing competitors like Airtel, Vodafone and BSNL, Aircel and Idea. इन सबकी positions को उन्होंने market position को damage कर दिया। Jio जैसे enter करा telecom industry में, उसने क्या करा, damage करना शुरू कर दिया सबकी position को। Jio ने फिर एग्रेसिव मार्केटिंग करना शुरू कर दी, जैसे फ्री में वॉइस कॉल देना शुरू कर दी, फ्री में रोमिंग, फ्री में SMS, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स थे एयरटेल वगैरह, तो उनको 60-70% रिवेन्यू आता था अपनी वॉइस कॉल से ही, जिसकी वजह से उनका जो शेयर, प्रॉफिट शेयर था वो डाउन हुआ काफ़ी। पहले तो उनको थ्रेटन्ड हुआ, फिर उसके बाद जियो ने फ्री में सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया मार्केट में एंटर करने के लिए। ये इनकी स्ट्रैटेजी थी कि स्टार्टिंग में लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी अपनाई इन्होंने, और इस स्ट्रैटेजी से उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स थे, जो लॉयल कॉम्पिटिटर्स थे एक अपने कॉम्पिटिटर्स के पास, इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनके पास, तो उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो और ऊपर से सिम एक्टिवेशन देना शुरू कर दिया 15 मिनट्स में, ये 24 घंटे में सिम एक्टिवेट होता था, वो 15 मिनट में एक्टिवेट होने लगा आधार कार्ड के थ्रू। एंड इन्होंने फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूशन करा, ये इन्होंने बैरियर प्राइजिंग अप्रोच अपनाई। मतलब बैरियर प्राइजिंग अप्रोच क्या होती है कि आप फ्री में कोई चीज़ दे दो और उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ जो हाई कॉस्ट में दे दो। जैसे कि इन्होंने फ्री में 4G सिम्स तो दे दी, 4G टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन कईयों के पास 4G फोन नहीं थे, उन्हें सिम तो मिल गया वो यूज़ का करें, तो इन्होंने उसको अप्रोच को यूज़ करा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, हम गन फ्री में दे देते हैं, मतलब कम लॉस में देते हैं जाए, और क्या करेंगे जो बुलेट्स हैं उसकी वो उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। रेज़र फ्री में दे दो, ब्लेड से प्रॉफिट कमा लो आप अपना। ये प्रिंटर फ्री में दे दो, इंक से कमा लो। तो ये तरह की ये जो अप्रोच होती है, ये होती है बैरियर प्राइजिंग अप्रोच। एंड इन्होंने फिर उसके बाद क्या करा, अपना मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्री में सिम्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और लाइव स्मार्टफोन लेके आए, लाइव कंपनी के स्मार्टफोन, इनको पता ही है विथ 4G टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेटन था टेलीकॉम इंडस्ट्री को। तो इमर्जिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंट्रेंट competitors who are likely to offer tough competition to the existing competitors in the industries like Jio and in telecom industries. ये बहुत बड़ा threat था। मैंने अब आपके साथ discuss कर लिया है strength, weakness, opportunity set,
स्ट्रेंथ क्या होती है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वीकनेस होती है इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट विच क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन टू क्रिएट स्टैंड इन मार्केट पोजिशन, और थ्रेट होता है अनफेवरेबल कंडीशन जो कि अभी अभी हमने डिस्कस करा टू डैमेज मार्केट पोजिशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की अगर मार्केट पोजिशन को डैमेज करना है तो उसे थ्रेटन करो, सिंपल सी बात है। थैंक यू।